तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 वीडियो एडिटिंग एप्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिनकी मदद से आप अपने मोबाइल को इस्तेमाल करके एक अच्छा प्रोफेशनल तरीके का वीडियो एडिट कर सकते हो। ऐसे आपको 5 एप्लीकेशन आपको बताऊंगा। तो वैसे तो प्ले स्टोर में काफी सारे एप्लीकेशन की भरमार है, जहां पर आप अगर वीडियो एडिटर सर्च करते हो तो वहां पर आपको करीब 50-60 एप्लीकेशन सर्च होकर आ जाते हैं जो वीडियो एडिटिंग के हैं। पर जो है उनमें कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको सारे फीचर, अच्छे अच्छे फीचर देखने को नहीं मिलते, जिससे जो है आप एक अच्छा वीडियो तैयार नहीं कर सकते। और कोई कोई एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिनका इंटरफेस इतना कठिन होता है कि उसमें आपको काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपको ऐसे टॉप 5 एप्लीकेशन बताऊंगा जिनकी मदद से आप एक प्रोफेशनल तरीके से अच्छा वीडियो एडिट कर सकते हो। जिस एप्लीकेशन से मैं वीडियो एडिट करता हूँ वो एप्लीकेशन भी आपको बताऊंगा, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा उनका इंटरफेस आपको कैसा है देखने में, आप कैसे उसे जो है सरल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बताते हैं कि इस चैनल पर आपको ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो आपको मिलती रहती है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आता है काइन मास्टर एप्लीकेशन। ये सबसे ज्यादा फेमस एप्लीकेशन है, बहुत ही ज्यादा लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो टिकटॉक यूजर्स हो, चाहे वो यूट्यूब यूजर्स हो, चाहे वो कोई भी एडिटिंग करना चाहते हो, काइन मास्टर एप्लीकेशन उनके मोबाइल में लगभग रहता ही रहता है। इस एप्लीकेशन का इंटरफेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है और बहुत ज्यादा अच्छा ये एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप जो है उसमें क्रोमा की के साथ साथ ओवरले और ब्लेंडिंग वगैरह के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, मास्क वगैरह वगैरह सब ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का वीडियो में टेक्स्ट डालना है, साउंड डालना है, ये सारा कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो है आप कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा इजी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे एप्लीकेशन की। दूसरा एप्लीकेशन हम कौन सा आपको बताने वाले हैं, दूसरे नंबर पे आता है पावर डायरेक्टर। पावर डायरेक्टर से आप एक अच्छा वीडियो एडिट कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे फिल्टर इफेक्ट मिल जाते हैं वीडियो में लगाने के लिए। जैसे आप किसी भी फोटो एडिटिंग एप्स को इस्तेमाल करते हो, वहां पर आप जो है ब्यूटी इफेक्ट लगाते हो, और इसमें आपको पावर डायरेक्टर में आपको स्किन स्मूथर भी मिल जाता है। यहाँ पर आप चेहरे के दाग धब्बे वगैरह भी गायब कर सकते हो। ये काफी अच्छा एक एप्लीकेशन है वीडियो एडिटिंग करने के लिए, पावर डायरेक्टर। इसका इंटरफेस भी काफी ज्यादा सिंपल है और बहुत ही अच्छा लगता है इसे चलाने में। मैं भी इसको भी इस्तेमाल करता हूँ। साथ में आपको बता दूं इसमें जो है आप वीडियो को स्लोमो भी बना सकते हो। पीछे मैं आपको बताना भूल गया, काइन मास्टर एप्लीकेशन से आप स्लोमो और फास्ट मो वीडियो बना सकते हो। तो ये दोनों एप्लीकेशन है काफी ज्यादा अच्छे है। अब मैं आपको बताता हूँ नंबर 3 का एप्लीकेशन कौन सा है। तीसरे नंबर पर मैं आपको बताता हूँ इफेक्टम के बारे में। ये काफी अच्छा एप्लीकेशन है, ये खास तौर से स्लोमो और फास्ट मो वीडियो के लिए किया जाता है। जैसे कि आपको पता है आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है स्लोमो का, तो स्लोमो वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर इफेक्टम का अगर आप यूज करोगे तो यहाँ पर आप बहुत अच्छा एक स्लोमो वीडियो तैयार कर सकते हो। इस एप्लीकेशन में आपको स्लोमो के साथ फास्ट मोशन और यहाँ पर रिवर्स का इफेक्ट भी आपको देखने को मिलता है। साथ में आप स्लोमो फास्ट मो दोनों मिक्स करके भी इसमें वीडियो बना सकते हो। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर ये अच्छी रेटिंग इसको दी गई है, और इसका इंटरफेस भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जो आप आपको टैप करना है, टैप करके ही आपकी वीडियो यहाँ पर एडिट होनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर 4 एप्लीकेशन की। नंबर 4 पे आता है फिल्मोरा एप्लीकेशन। ये भी काफी अच्छा एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को अपडेट करने के बाद इसमें तो काफी अच्छे फीचर आ चुके हैं, और ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। इसमें आपको स्लोमो फास्टमो के साथ साथ यहाँ पर वीडियो इफेक्ट फिल्टर भी आपको मिलता है, और यहाँ पर आप अच्छे से एक वीडियो में टेक्स्ट वगैरह भी एडिट कर सकते हो। इसमें टाइटल इफेक्ट बहुत ही अच्छे प्रीसेट दिए हुए हैं जिनको आप एडिट करके एक अच्छा सा वीडियो बना सकते हो। ये भी एप्लीकेशन एक सिंपल एप्लीकेशन है, बहुत ही अच्छा है इजी है चलाने के लिए, और इसमें आप स्लाइड शो भी बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। इसमें स्लाइड शो बनाने का एक बहुत ही अच्छा फीचर अलग से दिया गया है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 5वें एप्लीकेशन की। तो 5वां है वीडियो शो वीडियो एडिटर। यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हो इसका, जो आप जैसे वीडियो एडिटिंग सर्च करोगे तो यहाँ पर ये इस तरह का एप्लीकेशन आएगा। ये आपको 5वें नंबर का वीडियो एडिटिंग ऐप आपको बताने जा रहे हैं। इस भी काफी अच्छा है, इसमें वीडियो को आप क्रॉप कर सकते हो, स्पीड वगैरह चेंज कर सकते हो, और काफी अच्छे ट्रांजिशन इफेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यही थे दोस्तों इस वीडियो में आपको बताया टॉप 5 एप्लीकेशन जो वीडियो एडिटिंग करने के लिए मोबाइल पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो आपको बताऊं, शुरू के 2 या 3 जो मैंने शुरू में एप्लीकेशन बताए थे वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं अपनी, मैं यहाँ पर काइन मास्टर और पावर डायरेक्टर का इस्तेमाल करता हूँ अपनी वीडियो को एडिटिंग करने के लिए। तो यहाँ पर मैं ज्यादातर मैं आपको बताऊं तो काइन मास्टर ही चलाता हूँ, और कभी कभी अगर स्किन स्मूथर की बात आती है तो मैं यहाँ पर पावर डायरेक्टर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 5 एप्लीकेशन तो बता दिए, पर इनको इस्तेमाल करने का तरीका मैंने नहीं बताया है। इस एप्स
इन एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने का तरीका अगर आप जानना चाहते हो, आप जिस एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो चाहते हो उस एप्लीकेशन का वीडियो मैं आपको जल्द लाकर दे दूंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे कमेंट करना है उस एप्लीकेशन का नाम जिस एप्लीकेशन का आपको ट्यूटोरियल चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपकी वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर आपकी वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।